आइए सर, आइए, बैठ जाइए। हम क्या कर रहे थे? ऐसे कभी खराटा नहीं लेना चाहिए, ठीक है? ऐसे ऐसे जो बैठते हैं ना, तो ये जो कमर का जो हड्डी है ना, टेढ़ी हो जाती है। बुढ़ापा में फिर लोग कैसे हो जाएगा? तू लोग ऐसे हो जाएगा, इसीलिए हमेशा स्ट्रेट होना चाहिए, ठीक है? और मानव शरीर के अंदर कितनी हड्डियां होती है? 206 होती है। और जो हमारा जो सीना होता है ना, ये देखो 56 इंच का सीना, ये और ये 56 इंच का सीना होता है, और इसको कहते हैं पेट। बात समझ में आई? जो हम जो खाना खाते हैं वो कहाँ जाता है? पेट में जाता है। इसके बारे में बता चुका हूँ तुम लोगों को, इसके बारे में बता चुका हूँ। अब देखो, अब ये क्या है ना, अब इसको क्या कहते हैं बच्चा लोग, इसको क्या कहते हैं? पुट्ठा। बात समझ में आई? पढ़ा पढ़ा पढ़म सर। अरे वाह, आप तो बड़े तन्मयता के साथ बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अगर ऐसे ही सभी टीचर पढ़ाने लगे तो शिक्षा का स्तर तो काफी ऊंचा चला जी, जाएगा। जी सर। वाह, बहुत खूब, दिल खुश हो गया। ये मेरी तरफ से आपको पुरस्कार है, ये लीजिए। वाह, थैंक यू सर। ससुराल पूरा नींद खराब कर दिया आके। पढ़ रहे? पढ़ रहे? रहे? पढ़। चलो लग जा। प्रणाम प्रणाम मास्टर साहब। प्रणाम प्रणाम। अम्मा ने आपके लिए दूध भिजवाया था। हंस कह रही हो? आपके चेहरे पे आटा लगा हुआ है। अरे अब तो और भी लग गया। हंसने की जरूरत नहीं है इसमें, चुपचाप उधर बैठ के किताब खोलो और पढ़ाई करो, हम आ रहे हैं। मास्टर साहब, लगता है आपकी सब्जी जल रही है। सब्जी? अरे क्या हुआ? ना कुछ ना हुआ। अरे आप बैठिए, हम खाना बना देते हैं। नहीं नहीं, खाना हम बना लेंगे, तुम पढ़ाई करो, वहाँ पे पढ़ाई करो। अच्छा, हम समझ गए, आप हमारे हाथ का खाना थोड़ी ना खाएंगे। कहाँ हम लोग और कहाँ आप? हम इस सब फालतू का जात पात नहीं मानते हैं। सुनो, ये लो, तुम रोटी बनाओ, सब्जी हम बनाते हैं। तुम्हारी अम्मा बता रही थी तुम आजकल परेशान रहती हो, खामोश रहती हो, कोनो प्रॉब्लम है का? नहीं मास्टर साहब, ऐसी कोनो बात नहीं है, वो अम्मा तो बस ऐसी परेशान होती रहती है। सुनो, कुछ भी तकलीफ है हमको बताओ, कुछ ना कुछ उपाय निकालेंगे। और जीवन में सारी समस्याओं का समाधान है, ऐसा नहीं है? और तुमको इस बार अच्छे नंबर से पास करना है, कॉलेज में एडमिशन लेना है, मगर उससे पहले
तुमको मेरे साथ खाना खाना है, समझे? हाँ, रोटी बनाओ। प्रणाम। अरे प्रणाम प्रणाम सर, प्रणाम सर। बैठिए आप लोग, बैठिए। हाँ मास्टर जी। मास्टर नहीं सर, प्रिंसिपल लोग हैं। अरे वो एक ही बात है, सब पहले मास्टर था ना, ये तब आ गया ना। जी आप फोनवा किए ना, तो उसी समय सब लोगों को जुटा लिए थे सर। वो कहा है कि बार परीक्षा का सेंटर लाने में बहुत मेहनत किए हम, बुझे? जी बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अरे धन्यवाद डालो अपने दाढ़ में। ये धन्यवाद धन्यवाद हमको नहीं चाहिए, हमको चाहिए दाम। और इस बार रेट ज्यादा होगा और स्टूडेंट डबल, बुझे? सर पहले तो रेटवा फिक्स था, ये डबल में दिक नहीं होगा। अरे नहीं होगा दिक्कत महाराज, ये हिंदुस्तान है। इस देश में आदमी अपनी औकात से ज्यादा दो चीज पे खर्च करता है, एगो शिक्षा, दूसरा चिकित्सा। तुमको मालूम है सर? मालूम है तो अपना ही किंतु परंतु डालो अपने पिछवाड़े में और लग जाइए वसूली पे। कहे की बार पेमेंट जल्दी चाहिए। हाँ तो हम लोग कोशिश करके जल्दी दे देंगे। हैं? हाँ, दे देंगे। जी सर। वो कहा है ना कि मीडिया से लेके मिनिस्टर तक सबको मैनेज करना पड़ता है, पहले हड्डी डालना पड़ता है। तनिक भी अबेर सबेर हुआ ना तो हम डालेंगे। हड्डी सर? हड्डी नहीं, तुम सब्जी गाड़ में डंडा, बुझे? और सुनिए मास्टर जी। सर तुम्हारा स्टूडेंट ज्यादा है इसलिए तुम्हारा रेट फिक्स है, 10 लाख। हाँ वो तो हमको मालूम है सर। मालूम है ना? हाँ। जी। कोनो सवाल, कोनो दिक्कत? ना ना, कोनो दिक्कत नहीं। क्लियर है सर? अरे चुप ना बुड़बक, तुमसे पूछ रहे हैं। कोनो सवाल, कोई शक? ना ना, नहीं। मास्टर जी सर, इन सबको जलपान ग्रहण कराइए और लगा दीजिए काम पर। जी सर। ठीक है ठीक है ठीक है, खाइए खाइए आप सब। ठूसिए आप लोग, ठूसिए ठूसिए ठूसिए, खाइए आप लोग, ठूसिए लीजिए। हेलो भंडारी लो, तुम भी लो। अच्छा देखिए, बड़ी मुश्किल से इस स्कूल में सेंटर पड़ता है, एक एक लेकर से 2,000 रुपये वसूली है। अगर एक बार में नहीं होता है तो 2 इंस्टॉलमेंट ले लीजिए, लेकिन ले लीजिए 2,000 रुपये एक लेकर से। क्या बात है, आप लोगों ने तो शिक्षा को व्यापार और त्योहार बना दिया है। मुझे लगता था यहां पर ये सब नहीं होता है, मगर यहां तो फिक्स रेट की बात हो रही है। वाह, कभी सोचा है जब ये बच्चे मेरिट पे बाहर जाएंगे और उनकी असलियत सामने आएगी तो कितनी बड़ी बदनामी होगी इस गांव की, इस स्कूल की, इस स्टेट की शिक्षा प्रणाली की। नहीं, आप लोग बच्चों के भविष्य से खेल रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं आप लोग। मैं ये होने नहीं दूंगा, गलत हो रहा है ये। ठीक कह रहे हैं प्रशांत जी, ये सब गलत हो रहा है। ओहो, अरे महाराज आप ही दोनों को इसी सिस्टम से काहे परेशानी है? ये सब का खाली इसी स्कूल में हो रहा है, सब जगह होता है। अरे हमारे आपके बदल जाने से सिस्टम बदल जाएगा, आंख ढांप के चुपचाप अपना काम कीजिए। आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोग जाइए अपने अपने क्लास में जाइए, वो सब हम संभाल लेंगे, जाइए। मैं अपने छात्रों के भविष्य को इस भ्रष्ट रूपी शिक्षा तंत्र की बलि चढ़ने नहीं दूंगा, मैं इसके खिलाफ लड़ूंगा।